ये मैना उप स्वास्थ्य केंद्र है जो लगभग हम लोग के होश में तो नहीं है, खुला है। इसमें गाय भैंस बकरा बकरी हमेशा रहता है, मवेशी आकर के गंदा करता रहता, कोई देख रेख करने वाला नहीं है यहाँ। इसमें घास फूस लगा हुआ है, न कोई डॉक्टर है ना कोई नर्स है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी उठा करके शहर जानी पड़ती है, बार बार जो है मौत का शिकार होना पड़ता है लोगों को। वो जो स्थिति खराब है उसका कारण है कि डॉक्टरों का नहीं होना, स्टाफ का यहाँ पर नहीं रहना, और जो ANM या जिसका भी पोस्टिंग है वो सभी बाहर रहते हैं, यहाँ कोई रहता नहीं है, इसलिए ताला बंद रहता है। और जब कहा जाता है तो बताता है कि हमारा डिप्टेशन में है, कोरोना में है, टाल मटोल की नीति। करीब हम 1-1.5 साल से तो कंप्लीट बंद है, और उसके पहले और, लेकिन अभी जो है से कोरोना का कैंप भी हुआ, कैंप भी लगाया गया है, लेकिन आपने अपने स्थिति का तो मुआयना किए ही हैं, देखे ही हैं, बद से बदतर है, इसलिए वो उसका रिपेयर होना चाहिए। कितने चिकित्सक तो करीब हम पूछते हैं 10 साल से पहले तक चिकित्सक नहीं है यहाँ, और 10 साल से ऊपर, और इधर जो कुछ डिप्टेशन में कभी कभी डॉक्टर 1-2 बार आते थे सोमवार और बुधवार को, लेकिन उसका भी आना करीब 1-1.5 साल से बंद। दूसरा मैं यहाँ जिला स्तर पर सिविल सर्जन को इस सब चीज़ के बारे में अवगत किया था, जिस समय अशोक सिंह सिविल सर्जन थे तो उन्होंने तुरंत सप्ताह में 2 दिनों के लिए डॉक्टर का डिप्टेशन किया था, यहाँ आकर देखते थे, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ पर आना जाना सब बंद हो गया, उसी कारण जर्जर की स्थिति। इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन हॉस्पिटल का व्यवस्था जिला स्तर पर हुआ है, सदर में हुआ है, और मुख्यालय में ये ब्लॉक स्तर पर हुआ है, लेकिन उप केंद्र पर इसकी व्यवस्था करना अति आवश्यक है। 10 बेड का सही सभी व्यवस्था किया जाए, वेंटिलेटर सहित ऑक्सीजन सहित सारे व्यवस्था के हर एक प्रांत में हर एक जगह उपकेंद्रों पर करना आवश्यक है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के पहले इसकी व्यवस्था आवश्यक है।